गुजरात टाइटन पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। इस भारतीय खिलाड़ी का हुआ ऋषभ से भी भयानक एक्सीडेंट, खतरे में है जान। जी हां, नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2024 का आगाज 22 मार्च से हो जाएगा, जिसके लिए सभी फ्रेंचाइजियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं आने वाले 17वें सीजन को कामयाब बनाने के लिए सभी फ्रेंचाइजियों ने 19 दिसंबर 2023 को मिनी ऑक्शन में भाग लेकर कुछ नए खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा था। हालांकि आईपीएल 2024 से पहले गुजरात टाइटन के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल टीम के एक अहम बल्लेबाज का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से इस खिलाड़ी को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो क्या है पूरी खबर, कौन है वो खिलाड़ी, आगे जाने इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैन तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 19 दिसंबर को हुए मिनी ऑक्शन में गुजरात टाइटन ने झारखंड के युवा खिलाड़ी रॉबिन मिंज को अपने दल में 3.60 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं ऑक्शन में उनके पीछे कई फ्रेंचाइजी ने दाव खेला था, जिसमें सीएसके, मुंबई इंडियंस, सनराइजर हैदराबाद और गुजरात टाइटंस शामिल थी। हालांकि अंत में गुजरात ने बाजी मारी थी और उन्हें अपने दल में शामिल कर लिया। वहीं सीजन के कुछ हफ्ते पहले ही मिंज गंभीर एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के माने तो मिंज कवासकी सुपर बाइक चला रहे थे। इस दौरान दूसरे बाइक के संपर्क में आ जाने से वे अपना संतुलन खो बैठे और बाइक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान उनके दाहिने घुटने पर भी चोट लग गई है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये खबर गुजरात के नज़र से बेहद ही दुखद है, क्योंकि उन्होंने भारी भरकम रकम अदा करके इस खिलाड़ी को आईपीएल 2024 के लिए अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया था। ऐसे में अगर वे अपने दल सीजन से बाहर बैठते हैं तो गुजरात के लिए ये बड़ा झटका माना जा सकता है। जय हिंद।